ये तुम किस बात के लिए रेडी हो रही हो? क्या है यार? शादी के बाद हमारी पहली एकादशी, इसलिए हमने उपवास रखा है। एक सेकंड, एक सेकंड। किसकी शादी? कैसी शादी? मिसेस युग चौधरी हम हैं। यू नो व्हाट काली, डोंट बी अ फूल। ये चौधरीज के सुहागनों की पूजा है। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। एक्चुअली तुम्हें है ना, इस शहर में अपने लेवल की पूजा ढूंढ लेनी चाहिए। काली, हम पंचामृत बना लेंगे और तुम प्रसाद और आलता संभाल लेना प्लीज। चुलबुली, आराम से, आराम से जाकर प्रसाद लेकर आओ। जाओ चुलबुली, हो गया ना बांध कर, फूल लेकर आई है। ये तो ना धीरे काम करते, एक गद्दे कहां से लाए रे, इतना पील पीला गद्दा। चुलबुली, अरे आ गई, चल आओ आओ बैठो। बच्चे आ गई हमारी लाडली। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, सब बढ़िया ना? अच्छा चलो ना, हमें तुमसे बात करनी है। अरे आ गए, आओ आओ बैठो। कठिन परिस्थिति में ही इंसान का पता चलता है युग। ये तो हम जानते ही थे कि हमारे युग दिल के कितने अच्छे, बस अब हमें यहाँ पर और भी गर्व है। मुझे अच्छा लगा दैट यू आर स्टिल प्राउड ऑफ मी, पर मैंने वही किया जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए करता है, इंसानियत के नाते। प्लीज दादी, इस बारे में किसी से भी कुछ भी मत कहिएगा। अगर हमारे चाचा ससुर को पता चला तो? का नहीं, कुछ नहीं दादी, छोटी सी तो चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। और ऐसी गलतियां तो हो जाती है ना। गलती? अरे कोई गलती से क्या चोट पहुंचाता है भला? देखिए ना माँ जी, आपके साटा बाटा ने क्या दुर्गत कर दी हमारी फूल सी बच्ची की। हम लोग यहाँ इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि उनकी बेटियां इस घर में खुश रहें। और वो लोग देखिए ना, कैसे कैसे जुल्म ढा रहे हैं मेरी बच्ची पर। समझी कि समझाएं, अब आप ही कुछ करिए माँ जी। हाँ तेरे की ये दादी भी ना, इतना गरजने के बाद थोड़ा बरस और जाती तब मजा आता ना। गरजने वाले बादल को अगर बरसाना हो तो उसके अंदर की आग को और भड़काना पड़ता है। बेटा थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, समझी कि समझाएं। अब दादी जी, वो अगरबत्ती मिल नहीं रही है, कहाँ पे रखी है?
ये तुम हमसे पूछोगी? I'm so sorry, दादी जी, हम भी कितने पागल है ना, हेड ऑफ द फैमिली से इतनी छोटी सी बात पूछ रहे हैं। काली के रूम में होगा अगरबत्ती, क्योंकि ज्यादातर पूजा पाठ का सामान उसी के कमरे में रहता है ना। हम जाके देख लेते हैं, हम ढूंढ लेंगे दादी जी उस कमरे में जाकर। देखा दादी, इसमें कोई मिलावट नहीं है। हाँ तो क्या कह रही थी तुम, इसमें कुछ मिला हुआ है? सर आप फिर से कहो ना, सबको बता दो गौरी। मुझे पूरी सहानुभूति है तुमसे, तुम्हें फिर से वही दौरे पड़ रहे ना जो बचपन में पड़ते थे। कौन दौरा रहे? कुछ खास नहीं दादी, बचपन में गौरी अपने मन में कहानियां बना लेती थी और फिर उसी को सच मानने लगती थी। दवाई नहीं लेगी ना, दवाई ले लेगी तो नॉर्मल हो जाएगी। अरे राम, मारा नहीं। अगर ये मत भूलना कि जौन हालत हमारी हो रखी है ना इस समय, तुम्हारी भी उससे कौन कम तो नहीं है। और जानत हो इका जिम्मेदार कौन है? कौन? एक ही है, काला टीका। वही हम दोनों की कुंडली में काल सर्प योग बन के बैठा। तो फिर क्या करें? हमारी कुंडली देखकर बताइए कि क्या उपाय हो सकता है। बताते हैं, भी बता देंगे, पर उससे पहले कौनू थोड़ी दान दक्षिणा हो जाए तो ये जवान जो है वो घोड़े की तरह सरपट दौड़ेगी। क्या पुरोहित जी, अभी पापा बनकर बड़ी इमोशनल टाइप्स बातें कर रहे थे और अभी गुरु दक्षिणा एंड ऑल। अब कहा है कि घोड़ा यदि घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या? बोने ही नहीं हुई है बिटिया सुबह से। अब देखना हम कैसे ये चक्री घुमाते हैं। पर हम आपकी नजरों में हमेशा सच्चे रहना चाहते हैं। इस चिट्ठी में अपनी पूरी सफाई लिखकर हम आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इसे युग तक पहुंचाने की कृपा करिएगा। राम जी का तो पता नहीं, लेकिन हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे।